कौन थे वो पांच इंसान जो लाखों की संख्या में से अलग अलग धर्मों से अपना शीश कटवाने के लिए आगे आए और उन्होंने खालसा पंथ की रचना कर डाली। अनंतपुर में केसगढ़ साहिब में एक खुले आसमान के नीचे दीवान लगाया गया था। गुरुजी ने अपनी तलवार निकाली और गरजती आवाज के साथ कहा, मुझे एक सिर चाहिए, क्या कोई है जो मुझे सिर दे सके। इस सबसे असामान्य कॉल में से सभा में कुछ दहशत फैल गई और लोग स्तंभ रह गए और वहां पर सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, कोई आगे नहीं आया, अभी और सन्नाटा छा गया। तीसरी बार पुकारने पर लाहौर का एक खत्री दयाराम उठा, जिसने कहा, हे सच्चे राजा, मेरे शीश आपकी सेवा में हाजिर है। गुरुजी ने दयाराम का हाथ पकड़ा और उसे एक तंबू के अंदर ले गए। एक झटके में धमाके की आवाज सुनाई दी, तभी खून से लथपथ तलवार के साथ गुरुजी बाहर आए और बोले, मुझे एक और सिर चाहिए, क्या कोई है जो सिर दे सके। फिर तीसरी बार बुलाने पर दिल्ली में एक धर्मराज आगे आया और बोला, हे सच्चे राजा, मेरा सिर आपके हवाले है। गुरु धर्मदास को तंबू के अंदर ले गए। फिर एक झटका और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और वो खून से लथपथ अपनी तलवार के साथ बाहर आए। मुझे एक और सिर चाहिए, क्या कोई मेरा सच्चा सिख है जो मुझे सिर दे सके। इस पर सभा में कुछ लोग अपनी राय देने लगे। गुरुजी अपना शायद विवेक खो बैठे हैं और द्वारका का एक धोबी मोहम्मद चंद ने खुद को बलिदान के रूप में पेश किया। गुरुजी उसे तंबू के अंदर ले गए और उसी प्रक्रिया में गुजरे और बाहर आकर उन्हें चौथे सिर की आवाज लगाई। कुछ सिखों को लगा कि वह उन्हीं सभी को भी मार डालेगा। उनमें से कुछ भाग गए और बाकियों का अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर जगतनाथपुरी के रसोइये हिम्मत चंद ने खुद को चौथे बलिदान के रूप में पेश किया। तब गुरु ने पांचवें सिर के लिए पांचवी और आखिरी बार बुलाया। बिंदर का एक नाई साहिब चंद के आगे आया और गुरु उसे तंबू के अंदर ले गए। एक झटके से और धमाके की आवाज सुनाई थी और इस बार गुरु जी तंबू के अंदर कुछ अधिक समय के लिए रुके थे और बाकी बचे जो लोग थे वो राहत की सांस लेने लगे। गुरुजी ने अब अपने पांचवों स्वयं सेवकों को शानदार वस्त्र पहनाए। उन्होंने गुरुजी को अपने सिर अर्पित कर दिए थे और गुरु ने अब उन्हें स्वयं और अपनी महिमा प्रदान कर दी थी और जब उन्हें बाहर लाया गया तो वह परम चमकदार रूप में थे और हर तरफ आश्रय के और उदार और अफसोस की आहें थी और अब लोगों को सिर न चढ़ाने का पछतावे के साथ बहुत दुख था। और श्री गुरु नानक देव जी के समय से चरण पहल की दिशा के पारंपरिक रूप में रहा है। लोगों को पवित्र जल पीना था। गुरु जी ने पांच वफादार सिखों को खड़े होने के लिए कहकर उन्हें अपने नए आदेश खंडे की पहल की दिशित करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने एक लोहे के बर्तन या कटोरे में शुद्ध पानी डाला और उसे खंडा से, जिसे छोटी तलवार कहते हैं, उससे हिलाया। पानी को खंडे से हिलाते हुए उन्होंने पगुरबानी की पांच बानिया का पाठ किया। चीनी के दाने, जिन्हें पता से कहा जाता है, सहोक से गुरुजी की पत्नी माता साहिब कौर उस समय लाई थी और फिर पानी में मिला दी गयी। फिर गुरुजी लोहे के कटोरे में पवित्र अमृत तैयार करके खड़े हो गए। पांचों वफादारों में से प्रत्येक बारी बारी में अपने बाएं घुटने पर बैठकर दिव्य अमृत प्राप्त करने के लिए गुरुजी की ओर देखा। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को पीने के लिए पांच मुट्ठी अमृत दिए और उस आंखों में से पांच बार छिड़का और प्रत्येक छिड़काव के साथ उन्हें जोर से दोहराने के लिए कहा, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। इसका अर्थ है कि खालसा भगवान का है और सभी विजय उनके नाम पर है। फिर उन्होंने बालों को पांच छिड़काव अभिषेक किया। इस तरह पांचों वफादारों को एक कटोरे में अमृत पिलाया गया। उसके बाद उन्होंने खालसा की जाति वहीन बिरादरी में उसकी दीक्षा को दर्शाने के लिए उन्हें उसी कटोरे में से अमृत पीने के लिए कहा। सभी पांच वफादारों को गुरु जी ने इस तरह बपतिस्मा दिया, जिन्होंने तब उन्हें पांच प्यारे कहा। उन्होंने उन्हें सिंह यानी शेर की उपाधि दी और उनका नाम दयाराम से दया सिंह, धर्मदास से धर्म सिंह, हुकम चंद से हुकम सिंह,
हिम्मत चंद से हिम्मत सिंह और साहिब चंद से साहिब सिंह रखा गया और तब गुरुजी ने उन्हें स्वेच्छ मुक्त शुद्ध लोगों के रूप में संबोधित किया और उन्हें खालसा कहा। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे। और फिर उन्होंने उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए नियुक्त किया और ये आज हम जिन्हें नगर कीर्तन के आगे पांच प्यारे देखते हैं ये उन्हीं के एक स्वरूप है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।